हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगी ये जो गेंदे के प्लांट देख रहे हैं, इनको मैंने दिसंबर लास्ट में सीड डाल दिए थे, और जिससे मेरे यहाँ गार्डन में करीब करीब 80 से 100 के करीब प्लांट रेडी हो चुके हैं। और मैंने इनके लिए कोई अलग से पॉट नहीं लिया है और ना ही कुछ, हाँ बस एक मैंने टब में कई सारे सीड, बहुत सारे सीड डाल दिए थे, दो तीन टब में जिसमें प्लांट लगे हुए हैं, बहुत से रेडी हो गए थे। तो मैंने उनको दो दो तीन तीन करके ये थर्माकोल के जितने प्लांटर हैं इन सभी में मैंने लगा दिए थे। तो देख सकते हैं इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। और अब मैंने इनमें अपना घर का बनाया हुआ फर्टिलाइज़र भी दे दिया है, बनाना पील्स का, और जितनी भी मैंने फल फ्रूट सब्जियां जो भी होता है वो मैं एक बकेट में भिगो देती हूँ और वो सारे अपने प्लांट को लिक्विड में दे देती हूँ, जिससे देख सकते हैं आप इसमें कलियां भी बन गई हैं। लगभग लगभग हर प्लांट में दो दो तीन तीन कलियां बन चुकी हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए तो ये अच्छे से चल रहे हैं, हेल्दी भी हैं। चलिए मैं आप सभी को और प्लांट दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं लाइन से कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं। हर थर्माकोल में लगभग दो दो तीन तीन मैंने लगा दिए थे। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतने ज़्यादा घने हो जाएंगे। और इनके जो ये लीफ निकल रही, देख सकते हैं कितनी लेगी लेगी सी हैं, काफ़ी लंबाई में निकल रही हैं। और उसके साथ साथ फ्रेंड, ये 4 o'clock के प्लांट बीज गिर गए थे, प्लांट इन्हीं में लगे हुए थे और वो बीज गिर गए थे, उससे ये देखिए कितने सारे प्लांट रेडी हो गए हैं। अब हमारे पास प्लांटर नहीं है और मैं उनको कैसे लगाऊं? फिलहाल तो जब तक ये फ्लावरिंग करेंगे तब तक ये इसी में रहेंगे। तो देखिए अनगिनत जो है प्लांट निकल आए हैं हर थर्माकोल के प्लांटर में, देखिए ये सारे। और कुछ मेरे पास छोटे छोटे ये डिब्बे और प्लांटर जो रखे थे उनको, उनमें मैंने लगा दिए, कुछ खाली किए थे तो उनमें भी मैंने ये गेंदे के प्लांट लगा दिए हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये भी, और ये देखिए इसमें भी तीन कलियां एक साथ बनी हुई हैं, ये इधर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट टाइम, वैसे तो मैं हर साल सीड डालती हूँ और इतने कभी मुझे ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिलता है, और इस बार तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ कि मेरे गार्डन में बगैर खर्चे किए हुए और इतने सारे प्लांट बन करके रेडी हो गए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात है कि प्लांट जब आपके अच्छे से चलने लगते हैं तो उन पर ये वाइट वाइट जो लीफ होती हैं उन पर एक वाइट वाइट सा फंगल टाइप का लगना स्टार्ट हो जाता है। वो मैंने लीफ तोड़ दी है अभी, तो उस टाइप से ना बने उससे पहले हमें जो है नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करते रहना चाहिए 10 दिन के लिए, ताकि जो कीड़ों का जो अटैक है, ये इस समय मौसम का उतार चढ़ाव है, रात में ठंडी रहती है, दिन में बहुत तेज़ धूप रहती है, तो उससे इफ़ेक्ट बहुत तगड़ा पड़ता है प्लांट्स पे। तो देख सकते हैं हर प्लांट में लगभग कली बनी हुई है। ये देखिए इसको भी मैंने इतने छोटे से डिब्बे में लगाया हुआ था और ये इतना रेडी हो गया है। तो ये देख सकते हैं कोई भी ऐसा थर्माकोल, करीब 6 से 7 थर्माकोल के प्लांटर हैं हमारे पास, उनमें तीन तीन चार चार मैंने ये प्लांट लगाए हैं और इनके स्टेम भी देख सकते हैं हेल्दी है, बहुत अच्छे से अभी ग्रो कर रही है। और ये मुझे होली से पहले या होली तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो भी जाएगी। देखिए ये भी एक 4 o'clock जो है बीज गिर गया था तो उसमें ये प्लांट रेडी हो गया, और इसमें देखिए छोटी कली भी बन चुकी हैं दो तीन, तो इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। और इधर देख सकते हैं ये भी एक मैंने छोटे से कुल्हड़ मेरे पास था, इसमें शायद दही वगैरह आया था, तो इसमें मैंने ये भी गेंदे का छोटा सा ही प्लांट लगाया था और इसमें भी कली बन चुकी हैं, करीब 2 या 3 कली इसमें भी हैं। एक ये है और ये देखिए ये नवरात्र में कलश रखते हैं तो उसमें ये मैंने लगा दिया था, इसमें भी देख सकते हैं अच्छे से कली बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये इस तरीके से फर्स्ट टाइम जो मुझे रिज़ल्ट मिला है सीड से, जो घर में मैंने ग्रो किया है, मुझे बहुत खुशी हुई कि विंटर में तो इतने प्लांट मेरे पास नहीं थे, जैसे ही विंटर जाने वाला है तो गेंदे के प्लांट्स ने मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। और एक और आप सभी को मैं दिखाऊंगी फ्रेंड्स, ये देखिए इधर ये मैंने
टावर बनाया है। टब खाली पड़ा था तो मैंने सॉइल वगैरह भर करके, और देखिए इसमें करीब मैं काउंट करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब ये प्लांट नीचे लगा रखे हैं, और 15 के करीब मैंने इस टावर में जो पीवीसी का जो पाइप होता है उसमें मैंने ये देखिए इस तरीके से होल किया, और इस होल में मैंने छोटे छोटे इतने छोटे छोटे से प्लांट थे एक उंगली के बराबर, और मैंने ये तब लगाए हुए थे, और देख सकते हैं हम बहुत अच्छे से अभी चल रहे हैं, और टच वुड इनको नज़र ना लगे। और देखिए फ्रेंड्स इसमें कली भी बन चुकी हैं, ये देखिए फ्रेंड्स इसमें भी कलियां बन चुकी हैं। तो करीब इसी प्लांटर में मेरे पास 20 से 25 प्लांट हैं, तो ये जब बन रेडी हो जाएंगे, फ्लावरिंग जब होगी तो ये बहुत सुंदर दिखने वाला है। और इसमें भी दो प्लांट हैं, और इनको ज़रा सा भी उंगली लग जाती है हाथ तो ये टूट जाता है बहुत जल्दी, अभी बहुत नाजुक इनकी स्टेम। हाँ तो फ्रेंड देखिए ये मैं बता रही थी, इस तरीके से जो प्लांट में बनने लगते हैं तो इसका डर रहता है ना, तो प्लांट मुझे लगता है ख़राब ना हो जाए, तो मैंने नीम ऑयल वगैरह छिड़काव कर दिया था 2-3 दिन पहले। और अगर आपको इस तरीके से दिखती है तो वो लीफ भी हम निकाल देते हैं, ये शायद सही ही करना है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तो मैं इनको हटा देती हूँ। और भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं इधर भी करीब इसमें इस टब में जो है गोरी चोरी का प्लांट लगा हुआ है, और इसी के नीचे मैंने ये प्लांट छोटे छोटे 4-5 लगाए हुए थे, 6 प्लांट इसमें लगे हुए हैं, सब में कलियाँ लगभग हैं, एक दो प्लांट में अभी नहीं आ चुकी हैं, सब में कलियाँ आ चुकी हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। तो ये देखिए इधर ही है, तो इस बार भरमार है हमारे गार्डन में गेंदे के प्लांट की। और देखिए ये इसमें भी मेरा ये प्लांट था बोगनविला का, तो इसमें भी मैंने इसमें टर्टल वाइन लगा रखी थी, वो सब मुझे निकालनी पड़ी, इन गेंदे के प्लांट के लगाने के लिए मुझे सब टर्टल वाइन वगैरह हटानी पड़ी ताकि प्लांट में ये लगा सकूं। चलिए और दिखाती हूँ फ्रेंड्स, इधर देखिए एक ये बड़ा सा टब था, प्लांट बनाया था मैंने, इसमें भी इस समी का प्लांट लगा हुआ है मेरा, देखिए काफ़ी हाइट में जा चुका है, और अब इसकी लीफ जो है गिर चुकी हैं, और अब 15 से 20 दिन में भी इसमें भी हरियाली आने वाली है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें भी हमने ये देखिए कली बन चुकी है, इसमें भी करीब 5-6 इसमें भी लगे हुए हैं, तो इसमें भी अब लगभग कलियाँ बनी हुई हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि होली तक समय आई होप फ्लावरिंग होने लगेगी। ये देखिए इसमें भी बहुत सारे थे लेकिन अब कहाँ नग लगाती, तो ये इन्हीं में मैंने एज इट छोड़ दिए हैं, और जिनमें हो जाएगी फ्लावरिंग वो अच्छा, लेकिन इनका हाइट नहीं बढ़ पाई क्योंकि बहुत सारे इसमें प्लांट हैं तो वो हाइट नहीं ले पा रहे हैं। और दिखाते हैं फ्रेंड्स इधर, ये जितने मेरे गुलाब के प्लांट आप देख सकते हैं, अभी 15 से 20 दिन पहले इनकी सारी मैंने लीफ उतार दी थी और ये बिल्कुल भी खाली हो गए थे प्लांट, और जैसे ही मौसम चेंज हुआ है प्लांट्स को देख सकते हैं कितना हेल्दी हो गया है, और फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो गई है, सब पे लगभग 3-4-4-5-5 कलियाँ बनी हुई हैं। और ये मेरा गुच्छों में फ्लावर आता है पिंक कलर का, करीब एक गुच्छे में 4 से 5 फ्लावर होते हैं, और ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी फ्लावरिंग कलीज में नहीं बनी है, थोड़ा लेट बनेगी लेकिन आ जाएंगी। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये भी गुलाब का जो प्लांट है इसमें करीब एक प्लांट में 8-10 कलियां बनी हुई हैं। और जैसा कि मैं गेंदे की बात कर रही थी, तो ये देखिए मुझे जितने प्लांट में मैंने टर्टल वाइन लगा रखी थी उनको सबको मैंने निकाल के और एक गेंदे के प्लांट सब में लगा दिया है, नहीं तो 2-3 फ्लावर तो आएंगे ही, ज़्यादा नहीं अगर मिलते हैं तो 2-3 फ्लावर तो मिल ही जाएंगे होली तक, और हो सकता है ये नवरात्र तक भी ये प्लांट हमारे गार्डन में बने रहें, अगर बहुत अधिक गर्मी होती है तो ख़राब भी होने के चांस रहते हैं, लेकिन कंटिन्यू पानी इसमें देते रहेंगे तो प्लांट भी बचे रहेंगे, और थोड़ा शेड में कर देंगे तो देख सकते हैं अच्छे से ग्रोथ हो रही है। कि इस बार सीड्स जितने भी जिस भी प्लांट के पड़े थे वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये हैं, और सब में मैंने बनाना फर्टिलाइज़र दे दिया था, तो जिसमें हर गुलाब के प्लांट में करीब 8-8, 7-8 से जो है कलियां बन चुकी हैं, जब एक साथ में खिलेंगी बहुत सुंदर मेरा गार्डन दिखने वाला है। और ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए इसमें भी मैंने गेंदे के प्लांट लगा दिए थे, इसमें भी करीब 4-5 कलियाँ बनी हुई हैं, और बहुत जो है घना प्लांट हो चुका है, देखिए फ्रेंड्स ये
ये दिवाली में जितने फ्लावर माला वगैरह होती हैं वो मैंने बचा के रख लिए थे, और सारे मैंने प्लांट डाल दिए थे, सॉरी सीड डाल दिए थे, उन्हीं से ये इतने प्लांट मेरे गार्डन में रेडी हो गए हैं। और ये देख सकते हैं इधर, ये पता नहीं कब कैसे गिरे और इतने सारे 4 o'clock के रेडी हो चुके हैं। और अब मैं निकाल के, अभी तो मैं नहीं निकालूंगी, थोड़ा और हेल्दी हो जाए तो कुछ उनके लिए मैं प्लांटर खाली करूंगी और उन्हीं में ये लगाऊंगी। इनके भी बहुत सुंदर, जब 4 बजे फूल खिलते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो आप लोग भी जानते होंगे बहुत फ्लावर सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे अपने वीडियो में आपको यही शेयर करना था कि इस बार जो मैंने विंटर में गेंदे के प्लांट ज़्यादा परचेज़ नहीं किए थे, लेकिन इस बार जो सीड से प्लांट लगाए थे, वो सीड डाले थे, उनमें इस बार मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और ये देख सकते हैं, हर जो है प्लांटर में लगभग कोई ही ऐसा प्लांटर होगा जिसको मैंने छोड़ा होगा, लगभग सब में लगा दिए, 4-5, तो 100 के करीब मेरे यहाँ ये इस बार गेंदे के प्लांट बन करके रेडी हो चुके हैं। और अब मैं देखती हूँ कि किस प्लांट में कितने सारे फ्लावर आएंगे, और होली तक तो मुझे उम्मीद है ये फ्लावर खिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें गुलाब की जो पत्तियों में है कुछ ब्लैक 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 कलर का शेड आ गया है, तो इसको मैं पत्तियां, जिस मुझे ख़राब जो पत्ती दिखती है तुरंत मैं उनको रिमूव कर देती हूँ ताकि प्लांट में आगे ना बढ़ जाए कहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए फ्रेंड, अभी तो फ़िलहाल मेरा गार्डन इसी तरीके से है। और अभी पिटोनिया के भी फ्रेंड्स देखिएगा, इधर फ्लावर खिल रहे हैं, लेकिन इस टाइम पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो अभी फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पूरे लाइन से लगे हुए हैं। तो कितने, मैं जब सामने बिल्कुल देखती हूँ सामने, तो ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। बस अब फ्लावर आने का ही इंतज़ार है कि कब फ्लावर खिलेंगे और मेरा ये गार्डन खूबसूरत दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।